तो एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि आउजा कंपनी का हेड एक पर्सन को अपने आउजा न्यूक्लियर प्लांट के एड को दिखाते हुए बोल रहा होता है, अगर हर जगह पर मैंने अपने इस न्यूक्लियर प्लांट की स्थापना कर दी तो इससे हमारी कंपनी की पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी। तभी वहां पर सामने खड़ा पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है, बाकी के लोग तुम्हें यह सब कुछ करने देंगे। तभी आउजा कंपनी का हेड अपने पास से निकालकर एक लिस्ट उस पर्सन को दिखाता है, जिस लिस्ट के अंदर उन सभी लोगों ने पहले ही आउजा कंपनी के न्यूक्लियर प्लांट को वहां पर पास कर दिया होता है। यह देखते ही वह पर्सन बोलता है, मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं हो रहा, यह लोग आखिर इतनी जल्दी तुम्हारी बात मान कैसे गए, आखिर तुमने इन सभी लोगों को कितना पैसा खिलाया है। तभी आउजा कंपनी का हेड टेबल के ऊपर आकर बैठते हुए बोलता है, मैं इस तरह के बचकानी खेल नहीं खेलता। और अब वह एक फॉर्म उस पर्सन के सामने भी रखता है और बोलता है, इसे साइन कर दो, जिसके बाद हमारा काम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। दूसरी ओर एमा हिगान को बता रही होती है कि यामाजी बस यहाँ पर आउजा को उसके गोल को अचीव करने में उनकी मदद कर रहा है। और आउजा का यहाँ पर यह गोल है कि वह इस दुनिया में मौजूद हर एक टाइप की एनर्जी को अपने कंट्रोल में ले ले, जिससे इस दुनिया में मौजूद हर एक इंसान को उन पर निर्भर रहना पड़े, जिसके बाद वह लोग जैसे चाहे वैसे इस दुनिया को कंट्रोल कर सकते हैं। वह काफी टाइम से साइबॉर्ग के रूप में आउजा कंपनी के अंदर काम कर रही थी और उसने अच्छे से नोटिस किया कि अब उनका निंजा ऑर्गेनाइजेशन कोई निंजा ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहा है, वह बस आउजा कंपनी के लिए कठपुतलियों की तरह काम कर रहे हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि माइक जेसन को निंजा ऑर्गेनाइजेशन के बारे में हर एक चीज बताता है, जो सुनकर जेसन का दिमाग काम करना बंद कर देता है। और अब वह बोलने लगता है, मैंने यहाँ पर जितना सोचा था यहाँ की सिचुएशन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है, और तुम इन सभी चीजों के अंदर मुझे भी घसीट कर ले आए हो। माइक बोलता है, हमारे पास यह बकवास की बातें करने का टाइम नहीं है, हम लोग अभी जिस जगह पर रह रहे हैं यह जगह बिल्कुल भी सेफ नहीं, वह लोग हमें कभी भी ढूंढ लेंगे और वह किसी भी वक्त हम पर अटैक करने के लिए आते ही होंगे, तो इससे पहले हमें आउजा ऑर्गेनाइजेशन का पर्दा यहाँ पर फास करना होगा। जेसन बोलता है, यह सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। माइक बोलता है, बकवास करना बंद करो और कुछ काम की बात करो। जेसन बोलता है, मैं दुनिया वालों के सामने आउजा कंपनी की सच्चाई ला सकता हूं, पर मुझे इसके लिए एक पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। यह सुनते ही माइक को एमा के उस कार की याद आती है, जिसके अंदर एमा ने पूरा का पूरा कंप्यूटर सेटअप लगा रखा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि आउजा सिटी से बाहर जाने के लिए कई सारे गाड़ियों की लाइन लगी हुई होती है, वहीं पर सभी सोल्जर्स हर एक गाड़ी को अच्छे से चेक कर रहे होते हैं। यह देखकर नॉर्मल लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके होते हैं और बोल रहे होते हैं कि एक टेररिस्ट की वजह से हमें यहाँ पर इतने लंबे जाम में फंसना पड़ रहा है। तभी काफी तेजी से ट्रैफिक के बीच में आकर वही ट्रक रुकता है, जिसके अंदर एमा और हिगान मौजूद होते हैं। और अब एमा अपने लैपटॉप को बाहर निकालते हुए काफी तेजी से आउजा के सर्वर को हैक करने लगती है, और अब वह थोड़े ही देर में आउजा के पूरे बैरियर को हैक कर लेती है, जिससे आउजा सिटी के चारों ओर मौजूद बैरियर गायब हो जाता है। और अब हिगान काफी तेजी से उस ट्रक को चलाते हुए आउजा सिटी से बाहर निकल जाता है, जो देखते ही सभी सोल्जर्स अपने साथियों को ड्रोन का यूज करते हुए उनका पीछा करने के लिए बोलते हैं, पर एमा ने उनके सभी ड्रोन्स को भी हैक कर लिया होता है। अब आउजा सिटी से बाहर निकलने के बाद हिगान एमा से पूछता है, मुझे बताओ आखिर मुझे यामाजी कहाँ पर मिलेगा। एमा उसे बताती है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, पर मेरे ख्याल से वह अभी भी यहाँ पर जरूर किसी अपने प्लान के ऊपर काम कर रहा होगा, तो हमें भी यहाँ पर अपने प्लान के ऊपर काम करना होगा। और अब वह हिगान को एक न्यूक्लियर प्लांट की फोटो दिखाते हुए बोलती है, हमें जल्द से जल्द इस जगह पर पहुंचना होगा, यह न्यूक्लियर प्लांट अभी पूरी तरीके से बनकर तैयार नहीं हुआ है, जिस वजह से वहां पर ज्यादा लोग मौजूद नहीं होंगे। वहां पर पहुंचते ही हम अपने गुसोकू गेयर को चार्ज करेंगे, जिसके बाद हम काफी आसानी से अपने सामने आने वाले किसी भी खतरे का सामना कर पाएंगे। पर मेरे ख्याल से तीन लुटेनेंट में से एक न एक उस जगह पर जरूर मौजूद होगा, तो हम कल उस जगह पर जाएंगे। हिगान बोलता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उसे मार मार कर उसके मुंह से निकलवाऊंगा कि आखिर यामाजी कहां पर छिपकर बैठा है। एमा बोलती है, हिगान तुम्हें यहां पर अपने गुस्से को कंट्रोल में रखना होगा, क्योंकि जितना तुम अपने रेज पर कंट्रोल रखोगे तुम उतनी ही आसानी से गुसोकू गेयर को कंट्रोल कर पाओगे, और तुम जितने ज्यादा शांत रहोगे तुम्हारी गुसोकू गेयर उतने ही अच्छे से फंक्शन करेगी। हिगान बोलता है, मैंने यहाँ पर जो कुछ भी देखा है उसके बाद मैं यहाँ पर खुद को शांत नहीं रख सकता हूँ। अब थोड़ी देर चलने के बाद वह लोग एक जगह पर अपने ट्रक को रोकते हैं। वहीं पर हिगान को वही पुराने फ्लैशबैक याद आ रहे होते हैं, जिन्हें याद करके वह बहुत ही ज्यादा गुस्से में होता है। वहीं पर ट्रक के अंदर बैठी एमा हिगान को देख रही होती है, और अब वह बोलती है कि मारी इस जगह पर हिगान के साथ एक पीसफुल लाइफ जीना चाहती थी, पर ऑर्गेनाइजेशन ने हिगान की पूरी लाइफ बर्बाद कर दी। पर उसने अब यहाँ पर खुद से प्रॉमिस किया है कि यहाँ पर चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए वह हिगान को प्रोटेक्ट करेगी।
अब सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वॉर जोन दिखाया जाता है जहां पर कई सारे सोल्जर अपने गन के साथ किसी को ढूंढ रहे होते हैं। तभी धुएं के बीच से डैली अपने गुसोकू गियर के साथ बाहर निकलती है। अब उसे देखते ही सभी सोल्जर्स लगातार उस पर फायर करने लगते हैं, पर डैली को वहां पर कुछ भी नहीं होता है और अब डैली एक एक करके उन सभी सोल्जर्स को वहां पर मार देती है। वहीं पर आसमान में ऊपर एक हेलीकॉप्टर में बैठा आउजा कंपनी का हेड एक लेडी को वह फाइट दिखा रहा होता है और अब वह बोलता है, मिस आपको मेरे द्वारा बनाया गया वेपन कैसा लगा? यह वेपन सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके सामने कोई भी नहीं टिक सकता है। अभी बस इसके अंदर 5 मिनट तक काम करने वाली बैटरी मौजूद है, पर जैसे ही मैं यहाँ पर अपने नए न्यूक्लियर प्लांट बना लूंगा, मैं इन सभी गियर्स के अंदर और भी ज्यादा पावरफुल बैटरी इंस्टॉल कर पाऊंगा जिसके बाद हमारे सामने कोई भी नहीं टिक पाएगा। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें वह न्यूक्लियर पावर प्लांट को दिखाया जाता है जिसके अंदर अपने गुसोकू गियर को चार्ज करने के लिए एमा और हिगान आने वाले होते हैं। उसी पावर प्लांट के अंदर डी अपने गियर सूट के साथ बैठा हुआ होता है और अब वह अपने गियर सूट को वहां पर फुल्ली चार्ज कर लेता है। दूसरी ओर एमा उस जगह से एक पोर्टेबल एनर्जी टैंक चुरा कर वहां से भाग रही होती है जिससे वह जब चाहे तब अपने गुसोकू गियर को चार्ज कर सके। और अब वह इस बारे में कॉल करके हिगान को बताती है। तभी अचानक से उसके सामने डी अपने गुसोकू गियर के साथ आ जाता है और अब वह एमा के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही एमा उसके सभी अटैक्स को डॉज करते हुए वहां से भागने लगती है। पर डी के द्वारा वहां पर बनाए गए सिंडिपीट बहुत ही ज्यादा पावरफुल होते हैं और अब वह काफी तेजी से एमा को मारने ही वाले होते हैं कि तभी हिगान अपने गुसोकू गियर के साथ वहां पर आते हुए उन सिंडिपीट्स को वहां पर रोक देता है। तभी डी उस जगह पर आते हुए बोलता है, तो तुम्हारे पास यहां पर एक वॉरियर टाइप आर्मर है, तुमसे फाइट करने में यहां पर सच में मुझे बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। और अब वह आगे बढ़ते हुए हिगान को फाइट के लिए चैलेंज करता है और बोलता है कि मैं स्टार्टिंग से ही एक पावरफुल वॉरियर से फाइट करना चाहता था, तो अगर आज तुम मुझे फाइट में हरा दो तो मैं तुम्हें बता दूंगा कि मास्टर यामा जी आखिर कहां पर जाकर छिपे हुए हैं। यह सुनते ही एमा बोलती है, इसकी बात सुनकर मुझे यह एक ट्रैप लग रहा है, तो हमें इसकी बातों में नहीं आना चाहिए। हिगान बोलता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसे यहाँ पर पीटने के बाद इसके मुंह से उगलवा ही लूंगा कि आखिर यामा जी कहाँ पर छिपकर बैठा है। तभी डी अपने दो सिंडिपीट्स को एक साथ कंट्रोल करते हुए उनसे हिगान के ऊपर अटैक करता है। अब एक सिंडिपीट काफी तेजी से हिगान को वहां पर पकड़ लेती है। तभी डी काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए लगातार हिगान को कई सारे किक मारता है। वहीं पर वह सिंडिपीट लगातार हिगान को इलेक्ट्रिक शॉक दिए जा रही होती है जिससे हिगान उससे आजाद नहीं हो पा रहा होता है। वहीं पर एक जगह से छिपकर एमा यह सब कुछ देख रही होती है और अब वह बोलती है कि जरूर यहाँ पर डी के पास कोई प्लान है जिसका यूज करते हुए यह हमें काफी आसानी से हरा सकता है, तो फिर क्यों ना इसके प्लान के यहाँ पर एक्टिवेट होने से पहले ही मैं इसके प्लान को डिस्ट्रॉय कर दूं। और तभी उसकी नजर एक वायरलेस चार्जिंग सिस्टम पर पड़ती है जिसे देखते ही वह बोलती है, अगर मैं इस चार्जिंग सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर दूं तो इससे डी का प्लान फेल हो जाएगा क्योंकि वह अपने गियर सूट को चार्ज नहीं कर पाएगा। और अब वह रिएक्टर सिस्टम की ओर काफी तेजी से आगे बढ़ने लगती है, पर तभी उस जगह पर आते हुए एक सिंडिपीट उस पर अटैक करता है, पर एमा उसके अटैक को डॉज करते हुए काफी तेजी से पावर रिएक्टर की ओर आगे बढ़ती है। दूसरी ओर हिगान उस सिंडिपीट से आजाद हो जाता है और अब वह अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए डी के ऊपर अटैक करने लगता है, पर डी भी वहां पर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। दूसरी ओर एमा काफी तेजी से पावर रिएक्टर की ओर भाग रही होती है। वहीं पर एक सिंडिपीट उसका पीछा कर रहा होता है, जो देखते ही एमा उसके ऊपर चढ़ते हुए उसे एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है और उससे आगे निकल जाती है। तभी अचानक से एक दूसरा सिंडिपीट उसके सामने आ जाता है जिसे देखते ही एमा उसे डॉज करते हुए अपने बैग के अंदर से एक एनर्जी सोर्स को बाहर निकालती है और उसे उस सिंडिपीट की ओर आगे फेंकते हुए अपने पास मौजूद गन से उसे शूट कर देती है, जिससे वह एनर्जी बॉल वहां पर काफी तेजी से ब्लास्ट होता है और उस ब्लास्ट की वजह से वायरलेस चार्जिंग सिस्टम भी वहां पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। पर उस ब्लास्ट की वजह से एमा भी वहां पर घायल हो जाती है। तभी वह देखती है कि उसके ऊपर कई सारे बड़े बड़े पत्थर गिरने वाले होते हैं, जो देखते ही वह काफी तेजी से जंप करके उस जगह से हटती है, पर तभी वह जिस जगह पर गिरती है वह जगह भी टूट जाती है और अब वह काफी तेजी से बेसमेंट के अंदर जाने लगती है, जो देखते ही हिगान अपनी पूरी स्पीड का यूज करते हुए एमा के पास आकर उसे पकड़ता है। और अब वहां पर हिगान के गुसोकू गियर की बैटरी भी खत्म हो जाती है, जो देखकर एमा बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। तभी डी आगे आते हुए बोलता है, तुम्हारे गुसोकू गियर की बैटरी यहां पर खत्म हो चुकी है और अब तुम इस जगह पर अपने गुसोकू गियर को चार्ज भी नहीं कर सकते हो, तो तुम लोगों को मारने के लिए बस मुझे यहाँ पर अपने सोल्जर्स को बुलाने की जरूरत है, जिसके बाद तुम सभी लोगों का मरना यहाँ पर तय है, पर मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मैं एक असली वॉरियर हूँ, मुझे एक असली वॉरियर की तरह 1-to-1 फाइट करना पसंद है, तो अगली बार हम दोबारा मिलेंगे, तब तक आराम करो और अपनी बॉडी को रिकवर करो। यह बोलते हुए वह वहां से चला जाता है।
अब हमें दिखाया जाता है कि हिगान और एमा अपने ट्रक में वहां से दूर जा रहे होते हैं। वहीं पर हिगान एमा की मलहम पट्टी कर रहा होता है और अब वह एमा से बोलता है कि आखिर एमा हर बार अपनी जान पर खेलकर उसे बचाने की कोशिश क्यों करती है, उसे यह सब करने की कोई जरूरत नहीं। एमा बोलती है उसने खुद से प्रॉमिस किया है कि वह यहां पर हिगान को प्रोटेक्ट करेगी और हिगान उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता है। तभी एमा के पास एक मैसेज आता है और अब उसे पता चलता है कि उसके द्वारा बनाए गए सुपर कंप्यूटर को कोई हैक करने की कोशिश कर रहा है। यह सुनते ही हिगान बोलता है तो क्या यह काम ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का हो सकता है। एमा बोलती है हाँ यह काम जरूर ऑर्गेनाइजेशन के लोगों का होगा, पर यहाँ पर एक और पर्सन ऐसा है जो यह काम कर सकता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माइक ने अपने FBI कार्ड का यूज करते हुए जेसन के साथ एमा के उस कार को गैरेज से छुड़ा लिया होता है और अब उस कार को ड्राइव करते हुए जेसन के साथ वहां से दूर जा रहा होता है। वहीं पर बैठा हुआ जेसन एमा के द्वारा बनाए गए उस कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश कर रहा होता है, पर काफी ज्यादा मेहनत करने के बावजूद वह उसे हैक नहीं कर पाता है और अब वह बोलता है आखिर एमा यह किस तरह की पर्सन है, उसने यहाँ पर इतने ज्यादा खतरनाक कोड सेट कर रखे हैं कि मैं इसे डिकोड कर ही नहीं पा रहा हूँ। तभी अचानक से उस कार का बैलेंस बिगड़ जाता है, जो देखते ही जेसन माइक के ऊपर गुस्सा होते हुए बोलने लगता है कार को ठीक से चलाओ। अब बैलेंस बिगड़ने की वजह से कार में मौजूद रेडियो अपने आप ही ऑन हो जाता है और अब उस रेडियो के अंदर बज रहे गाने को सुनकर माइक को याद आता है कि जब वह पहली बार एमा से मिला था तब एमा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हुआ करती थी और वह जल्द से जल्द किसी भी केस को सॉल्व करना चाहती थी और वह हमेशा अपनी जान को खतरे में डाला करती थी। अब हमें दिखाया जाता है कि माइक और एमा एक बार के अंदर बैठे हुए होते हैं। वहीं पर माइक उसे डांटते हुए बोल रहा होता है तुम अभी बहुत ही ज्यादा यंग हो तो तुम्हें बार बार अपनी लाइफ को खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारा पार्टनर हूँ तो मुझे भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करने दिया करो। तुम यहाँ पर सब कुछ खुद ब खुद करना चाहती हो पर तुम्हें यहाँ पर दूसरे लोगों पर भी भरोसा करना चाहिए। वहीं पर माइक ने उस दिन बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और अब वह स्टेज पर जाते हुए उसी गाने को गाने लगता है जो इस वक्त प्रेजेंट टाइम में उस रेडियो के अंदर बज रहा होता है। अब हमें दिखाया जाता है कि माइक और जेसन एक सुनसान एरिया में उस कार को लेकर आते हैं और उसके अंदर मौजूद कंप्यूटर को हैक करने की कोशिश करते हैं। तभी वह फील करते हैं कि उनकी ओर कोई काफी तेजी से आगे बढ़ रहा होता है, जो देखते ही वह दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। माइक बोलता है झुककर नीचे रहो और मेरे बिना इशारे के उन पर अटैक मत करना, पर जेसन उनकी बात नहीं सुनता है और जैसे ही एक पर्सन उसके कार के बगल में आकर खड़ा होता है वह अपने हाथ में मौजूद पटाखों को जलाते हुए काफी तेजी से उस पर्सन की ओर आगे फेंकता है, जो देखकर माइक परेशान हो जाता है और अब वह जेसन को बचाने के लिए बाहर निकलता है और काफी तेजी से उस पर्सन को उठाकर पटकने की कोशिश करता है। पर तभी वह नोटिस करता है कि वह पर्सन कोई और नहीं बल्कि हिगान होता है। वहीं पर उसके बगल में एमा भी खड़ी होती है। अब माइक उन दोनों को लेकर अपने साथ एक होटल के कमरे में आता है और अब एमा और हिगान माइक को सब कुछ स्टार्टिंग से बताते हैं, जो सुनकर माइक के होश उड़ चुके होते हैं और अब वह एमा को देखते हुए बोलता है तो क्या तुम सच में एक निंजा हो और FBI के अंदर तुम मेरी पार्टनर बनकर हम लोगों के ऊपर नजर रखने के लिए आई थी। एमा हाँ में जवाब देती है और अब माइक एमा के ऊपर चिल्लाते हुए बोलता है तो इतने महीनों से तुम मुझे बेवकूफ बना रही थी और तुमने मुझे जेसन के पीछे भी इसीलिए भेजा जिससे मैं आउजा कंपनी से दूर रहूं। यह सब कुछ तुमने जानबूझकर किया जिससे तुम मुझे गुमराह कर सको। एमा उसे समझाने की कोशिश करती है पर माइक उसकी बात सुने बिना ही कमरे से बाहर हवा खाने के लिए चला जाता है और अब वह जैसे ही कमरे से बाहर निकलता है कमरे के बाहर जेसन ने कई सारे पटाखे लगाए होते हैं जिसके ऊपर उसका पैर पड़ता है और अब वह सभी पटाखे एक्टिवेट हो जाते हैं जिससे माइक का पैर वहां पर जल जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि एमा माइक के जले हुए पैर पर बैंडेज लगा रही होती है और अब वह सब कुछ डिटेल में माइक को बताती है, जो सुनकर माइक सब कुछ समझ जाता है और अब वह एमा को अपनी बेटी की ड्राइंग दिखाता है और अब वह बोलता है कि मैंने जिस दिन FBI को ज्वाइन किया था उस दिन मैंने खुद से प्रॉमिस किया था कि मैं सभी लोगों को प्रोटेक्ट करूंगा, पर मैं यहाँ पर अपनी डॉटर को ही प्रोटेक्ट नहीं कर पाया और अब मैं यहाँ पर रिटायर होने वाला हूँ, पर रिटायर होने से पहले मैं इस दुनिया में चल रहे इतने बड़े स्कैम को रोकना चाहता हूँ जिससे हमारी यह दुनिया डिस्ट्रॉय होने से बच सके। एमा उस ड्राइंग को देखते हुए बोलती है मैं आपकी फीलिंग को समझ सकती हूँ क्योंकि मैंने भी यहाँ पर खुद से एक प्रॉमिस किया है। अब हमें दिखाया जाता है कि अगली सुबह एमा सभी लोगों को बताती है कि आउजा कंपनी धीरे धीरे हर जगह पर अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बना रही है और वह अपने इस काम को पूरा करने के लिए निंजास की मदद ले रही है जिससे काफी तेजी से उनका मिशन यहाँ पर कम्प्लीट होते चला जा रहा है और जो भी उनके रास्ते में आता है वह लोग उन्हें ठिकाने लगा देते हैं। तो हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर इन्हें रोकना होगा और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।